जय हिंद साथियों, जैसा कि हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे थे कि देश में बहुत ही बवाल मचा रहा, अफरा तफरी का माहौल रहा, जो दुखद था, भारत सरकार की बहुत बड़ी क्षति हुई, जो निंदनीय रहा। अभ्यर्थियों को, सेना भर्ती के अभ्यर्थियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। संवैधानिक दायरे में रह करके संविधान के अनुसार कानूनी प्रक्रिया अपना करके अपनी मांग, अपना विरोध रखना चाहिए, ये नीतिगत था। दोस्तों, जैसा कि अभी तर्क चल रहा है, कुछ लोग इस अग्निवीर नामक योजना को बहुत अच्छा ठहरा रहे हैं, परंतु बहुत सारे अभ्यर्थियों का इससे नाराजगी है, और मुझे लगता है कि उनकी नाराजगी जो है जायज है। इसमें सबसे बड़ी जो है, हम लोग तो अभ्यर्थियों के बीच रहते हैं, उनकी पीड़ा को, उनके दुख दर्द को समझते हैं। ज़्यादा परेशान वैसे अभ्यर्थी हैं सेना भर्ती के, जो पिछले 3 साल से भर्ती प्रक्रिया में संलिप्त थे। जैसे 2020 में उनका फिजिकल हुआ, 2020 में उनका फिजिकल हुआ, 21 में उनका मेडिकल हुआ। आर्मी में बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिनका 2020 में फिजिकल हुआ और 2021 में उनका मेडिकल हुआ। उनका फिजिकल और मेडिकल हो चुका था, मैंने आर्मी की केवल बात की, केवल उनका रिटर्न बाकी था। वैसे अभ्यर्थी रिटर्न की तैयारी जो है बेहद बेहतर ढंग से कर लिए थे और कर चुके थे, और उनका एज भी 23 साल हो चुका था जब वो भर्ती क्वालिफाई किए, फिजिकल और मेडिकल 23 साल उनका एज हो चुका था। ठीक इसी प्रकार एयरफोर्स में भी बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिनके फिजिकल हो चुके थे, मेडिकल हो चुके थे, वो रिटेन पास कर गए थे, रिजल्ट भी उनका आ गया था, लेकिन अचानक सरकार की एक तुगलकी फरमान के द्वारा उनके समस्त अरमानों पर पानी फेर दिया गया। अब बताइए कि वे अभ्यर्थी जो सेना भर्ती में मेडिकल, फिजिकल, रिटेन निकाल चुके थे, 3 साल वो इंतजार किए भर्ती प्रक्रिया पूरा होने का, और 3 साल में वो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, और अचानक उस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके कहा जा रहा है कि नए सिरे से भर्ती होगी। महाशय, मैं इस लाइव के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि वैसा कैंडिडेट जिसकी उम्र भर्ती प्रक्रिया में देरी होने के कारण 23 वर्ष 2 महीना या 23 वर्ष 1 महीना हो चुकी है, तो वैसे जो अभ्यर्थी हैं, वैसे जो कैंडिडेट हैं, उनका तो सपना टूट गया, उनका तो लाइफ बर्बाद हो गया। वो तो भर्ती प्रक्रिया में अपने उम्र के अनुसार, अपनी भर्ती प्रक्रिया में अपना पूरा दमखम दिखा करके फिजिकल मेडिकल निकाले थे, वो रिटर्न में बैठते। महाशय, आपने रिटर्न को लंबे समय तक टालता रहा, इसमें तो आपकी खामी है। कम से कम वैसे अभ्यर्थी जो उनका, जिनका मेडिकल फिट था,
फिजिकल हो चुका था, वैसे अभ्यर्थियों को रिटन एग्जाम में बैठाना चाहिए, उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी करानी चाहिए, उसके बाद ये अग्निपथ नामक नई योजना जो है इसको लागू करना चाहिए। अब बताइए कि जिस अभ्यर्थी का उम्र जो है वो 23 साल 2 महीना हो गया, वो तो बाहर है इस नई स्कीम से, और उसमें गलती उसकी नहीं है, उसमें गलती जो है विभाग की है। आर्मी में भी ऐसा ही हुआ है, जैसे आर्मी में तो रिटन नहीं लिया गया, फिजिकल और मेडिकल बच्चे निकाल चुके थे, और ये विभाग का दोष है। एयरफोर्स में भी वैसा ही हुआ, 3 साल बच्चे जो है इंतजार किए भर्ती प्रक्रिया पूरा होने का, उन्हें पूर्ण विश्वास था कि हमारी ज्वाइनिंग होगी, हम एग्जाम में अपीयर होंगे, उनकी अच्छी खासी तैयारी थी, वो लगन के साथ दिन रात एक करके जो है पढ़ाई कर रहे थे, अपने रिटन की तैयारी कर रहे थे। ये कौन सी बात होती है? हमेशा किसी भी एक पक्ष की बात को बिना सुने इस योजना को लागू कर दिया गया, बताइए उनकी कौन सुनेगा। जैसे कल ही मुझसे एक बच्चा मिला और वो बता रहा था, तो उसके दुख को सुन करके मैं भी इमोशनल हो गया, और किसी तरह से उसका साहस बढ़ाने का कार्य किया मैं। बच्चे तो कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, जिनका एज अब नहीं बचा, नई भर्ती प्रक्रिया में वो शामिल नहीं हो सकते हैं, तो वैसे तो लोगों का जीवन बेकार हो गया। अब महाशय, देश की सत्ता बनाने में युवाओं का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। मेरी डिमांड है, मेरी मांग है, विनम्र अपील है कि कम से कम जो युवा अगर आर्मी के अभ्यर्थी हैं, उनका फिजिकल हो चुका था, मेडिकल हो चुका था, तो उनका रिटेन कराया जाए, उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाए। जो एयरफोर्स के अभ्यर्थी थे उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो, और ये जो नई योजना आई है अगर इसको वापस नहीं लिया जा सकता है तो इसको फिर से नए कैंडिडेट पे लागू किया जाएगा। लेकिन जो पुरानी भर्ती के तहत जो लोग अब पूरे भर्ती प्रक्रिया को पूरा किए थे, उनका केवल ज्वाइनिंग नहीं कराया गया या रिटेन नहीं कराया गया, वैसे लोगों का दर्द जो है, दुख जो है समझा जाए, और यथास्थिति उन पर विचार करके जो है रक्षा विभाग को इस पर विचार करके उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। जय हिंद। मुझे लगा कि इस बात को हमारे तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोग हो सकता है कि ना सुने, लेकिन हमें लगा कि इस बात को अपनी मन की बात को पहुंचाना चाहिए लोगों तक, हमने रखा। आप लोगों को भी अगर लगे कि ऐसी बात है, उस भर्ती प्रक्रिया को जो पुराना है उसको पूरा करना चाहिए, तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।